हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गायत्री कावंडलकर, गायत्री की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले कुछ चटपटा चीज जो कि बच्चे भी आसानी से घर पर बना सकते हैं और आप पिकनिक जाते वक्त भी इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले ड्राई भेल जो कि कुछ ही मिनटों में बन जाती है और आपको इसकी गैस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसे बनाने। तो चलिए बनाते हैं चटपटी भेल। ड्राई भेल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है मुरमुरे, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, दो हरी मिर्चियाँ बारीक कटी हुई, धनिया, स्वाद अनुसार नमक, सेजवान चटनी और लाल सेव। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। ड्राई भेल बनाने के लिए हमने एक बॉल में मुरमुरे ले लिए हैं। मुरमुरे लेने के बाद हमने जो बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटे हुए टमाटर लिए थे वो हमें इसमें डाल लेने हैं। उसके बाद हमें उसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिला लेने के बाद हमें उसमें हमने जो बारीक कटे हुए हरी मिर्ची और बारीक कटे हुए धनिया लिए थे वो हमें उसमें डाल लेना है। मिर्ची आपको अपने स्वाद अनुसार लेना है। हमने यहाँ पर दो मिर्ची ली हुई है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्ची ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर चाट मसाला डाला है। चाट मसाला ऑप्शनल है, हमें जो हमारी भेल है वो चटपटी चाहिए थी इसलिए हमने यहाँ पर चाट मसाला डाला है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाला है। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद हमने यहाँ पर लाल सेव ली हुई है। लाल सेव की जगह पर आप पीली सेव या फिर लहसुन चूड़ा भी यूज़ कर सकते हो। इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको भेल थोड़ी और चटपटी चाहिए होगी तो आप इसमें लेमन जूस या फिर इमली की चटनी भी डाल सकते हो। आप देख सकते हैं सेव अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी हम इसमें सेजवान चटनी डालेंगे। सेजवान चटनी हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिए है। अगर आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा सेजवान चटनी डाल सकते हैं। सेजवान चटनी के बदले आप मीठी चटनी या फिर तीखी चटनी भी डाल सकते हैं। अभी हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारी ड्राई भेल रेडी हो जाएगी। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सामने एक बेल आइकन आएगी उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।